देखो, कल हमने पढ़ा था ये, है ना, क्या चीज? तो हम परिमेय संख्या को यानी कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। हमने दो तरीके का नंबर लिया परिमेय रेशनल नंबर जो है, कौन कौन सा? एक हमने लिया जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, और दूसरा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो तो इस केस में नंबर कहाँ पे आता है? मैंने तुमको बताया, 0 और 1 के बीच में ही कहीं पे आता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जितना डिनोमिनेटर में है 0 और 1 को उतने ही भागों में बांट देते हैं। और उसके बाद कितना लेना है, जैसे कि 2 2/7 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 और 1 को 7 इक्वल हिस्सों में बांट देंगे, उसमें से हम लोग 2 ले लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा आ गया था, करेक्ट। उसी तरह से हम 5/9 को भी कर सकते हैं। यही अगर ये नेगेटिव में नंबर हो, माइनस हो, तो क्या करेंगे, तो माइनस में अगर यही नंबर होता है तो ये -1 और 0 के बीच में कहीं पर आ जाता है, ठीक है। अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, है ना, ऊपर वाला नंबर नीचे से ज्यादा हो, उस केस में हम क्या करते हैं, तो उस केस में हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, है ना। जो मैंने तुमको करके दिखाया था, ये 13/5 का करके दिखाया था, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम 2+3/5 लिख सकते हैं, करेक्ट। अब यहां से नंबर पता चल गया कि ये जो नंबर है 2+3/5, यानी कि ये 2 और 3 के बीच में कहीं पर लाई करेगा। सेम तरीके से हम क्या करते हैं, अगर नेगेटिव में नंबर हो तो उल्टे डायरेक्शन में, इसको थोड़ी देर के लिए कहेंगे नेगेटिव नहीं है, है ना, और ये इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और फिर जो है उल्टे डायरेक्शन में यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना, वो माइनस में हो जाता है। तो कल हमने इस चीज को पढ़ा था। अब हमको क्या करना है, तो अब हमको √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, करेक्ट। ओके, तो अब हमको √2 को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब √2 को ही नहीं, इवन रूट के अंदर में चाहे √3 हो, ठीक ना, यहाँ में इस क्लास मतलब इस एक्सरसाइज में तुमको √5 तक को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। लेकिन तुम रूट किसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, √3 को कर सकते हो, √5 को कर सकते हो, इवन √7 को भी कर सकते हो, है ना। रूट के अंदर में जितने भी हमारे क्या होंगे, जितने भी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, यानी कि जितने भी इरेशनल नंबर होंगे, उन सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो देखो √2 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी जैसा कि मैंने कहा, तुम √2 को ही नहीं, एक बार √2 करना आ गया तुमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, तो √3 भी कर सकते हो, √5 भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग सीखते हैं √2 को रिप्रेजेंट करना। तो हमारा क्या है, सोल्यूशन हम देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। हमको √2 को रिप्रेजेंट करना है। तो √2 को रिप्रेजेंट करने से पहले याद रहे, रूट के अंदर में जो नंबर रहेगा उसको रिप्रेजेंट करने से पहले हम उससे एक कम नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो √2 से एक कम जो है वो कितना होगा, तो रूट के अंदर में इससे एक कम कर देंगे, यानी कि हम लोग पहले जो है स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में ये करेंगे कि रूट हम रिप्रेजेंट करेंगे √2-1 को, जो कि कितना हो जाएगा, √1, और √1 कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। तो √1 बोले तो 1 होता है, यानी कि पहले हम नंबर लाइन पे 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 1 हमारा कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो ये रहा हमारा नंबर लाइन, करेक्ट। और इसमें हमको 1 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये 0 हो गया और ये कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। तो ये हमारा जो नंबर है यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्या है, 1 हो गया, 1 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो 1 आसान था रिप्रेजेंट करना, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जहां पे हमने इस 1 को रिप्रेजेंट किया है वहां पे 1 यूनिट का ही हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 यूनिट का। जैसे ये 1 यूनिट हुआ, तो 1 यूनिट का ही यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये परपेंडिकुलर हिंदी में इसको कहते हैं लंब, जिसका जो है लंबाई कितना होगा, 1 इकाई, है ना, 1 यूनिट होगा इसका लंबाई। तो हम ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि 1 यूनिट का होगा, करेक्ट। तो ये 1 यूनिट का है, इसका लंबाई कितना है, 1 यूनिट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको नेमिंग कर लेते हैं, ये वाला चलो मैंने इसको नेमिंग दे दिया, ये मेरा ओ है, ये मेरा बी है, और ये वाला जो पॉइंट है ये ए है। नेमिंग करने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है, मिला दिया। अब देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब क्या करेंगे, तो देखो ये वाला कितना है, 1 है, ये कितना है, 1 है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, है ना, पता है ना पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगता है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाला, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हमारा जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस कहलाता है, और बाकी ये दोनों क्या कहलाते हैं, लेग्स कहलाते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस परिमेय के
अनुसार जो ओ ए का स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। तो इसका भी स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया, तो इसका स्क्वायर OB का स्क्वायर, इसका स्क्वायर AB का स्क्वायर और दोनों को यहाँ ऐड कर दिया, तो यहाँ पे हमारा OA का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो OB कितना है, 1 है, तो OB के जगह पे 1 रखेंगे 1 स्क्वायर प्लस AB कितना है 1 है, तो इसके जगह पे भी 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से OA का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब यहाँ से क्या होगा, देखो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब देखो यहाँ से OA कितना आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। ठीक ना, यहाँ से स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट कर देंगे, तो ये वाला जो है रूट से ये स्क्वायर चला जाएगा, तो OA बचेगा और यहाँ पे रूट 2 हो जाएगा। अब देखो ये वाला डिस्टेंस हमने क्या निकाल दिया, रूट 2 निकाल दिया हमने। अब इसी को तो हमको रिप्रेजेंट करना है ना इस लाइन पे, समझ रहे हो कि नहीं बात को, हमको इस लाइन पे ये जो लाइन दे रखा है इस पे हमको इसी को रिप्रेजेंट करना है। यानी कि किसी भी तरह से अगर मैं ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं इस पे लेके आ जाता हूं तो मैं रूट टू को रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो कैसे लेके आना है उसके लिए, तो उसके लिए करना ये है कि ओ ए को मानना है रेडियस और ओ को मानना है सेंटर, आर्क लगाना है, इतना रेडियस लेकर के ऐसे जो है आर्क लगाते हुए, मतलब कि ये हमारा क्या है सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया, समझ में आता है ना, और ऐसे आर्क लगाते हुए आएंगे तो कुछ ऐसा जो है बनेगा, ये सर्कल बनेगा इस टाइप में, ठीक है ना, ऐसे बना लेकर के आएंगे। अब यहाँ पे मैं आर्क और नहीं लगा के दिखा सकता क्योंकि ये जो है मैं इस पे कर रहा हूँ आईपैड पे, ठीक है ना, तो ऐसे होगा ये, समझ रहे हो कि नहीं बात, ठीक है, ओके। तो ये हमारा कुछ यहाँ से ऐसे आर्क लगाएंगे, ठीक। अब जब इस प्रकार से आर्क लगाएंगे तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा ना, रेडियस ये भी रहेगा और ये भी क्या रहेगा, रेडियस ही रहेगा, यानी कि जितना ये है उतना ही ये हो गया और ये किस पे आ गया, इस लाइन पे आ गया, यानी कि रूट टू को हमने इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। रूट टू कहाँ जा रहा है, 1 से ज्यादा हो रहा है ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब हम आर्क लगा कर ले आएंगे, ऐसे जब आर्क लगा कर ले आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये रूट टू हो जाएगा, समझे कि नहीं बात, समझे, ये हमारा रूट टू हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ओके। तो हमारा जो स्टेप है वो क्या है, तो पहला स्टेप मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि पहले रूट के अंदर जिस भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, पहले उससे एक कम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, समझ में आया बात। तो पहला काम क्या करेंगे, रूट के अंदर जिस नंबर को करना है पहले हम उससे एक कम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, उससे एक कम नंबर रिप्रेजेंट करने के बाद जहां पर वो नंबर आया है वहां पे हम 1 यूनिट का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये 1 है इसीलिए हमने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, नहीं, हम बार बार करेंगे परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, जैसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इन पॉइंटों का हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे, उसके बाद इन दोनों को मिला देंगे, मिलाने के बाद ये ट्रायंगल बन जाएगा, और कौन सा ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये हमें पता है कितना है, ये 1 यूनिट है, और ये भी पता है कितना है, 1 यूनिट है, ठीक ना। जब ये 1 है और ये 1 है तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये वाला कितना आ जाएगा, रूट 2 निकल के आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें इस नंबर लाइन पे लेकर के आना है, उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए इस ओ को सेंटर और ओ ए को रेडियस मान करके हम आर्क लगाएंगे इस नंबर लाइन पे, जहां पर ये आर्क इस नंबर लाइन को काटेगा ये नंबर वहीं पे होगा, ठीक है ना, समझ गए बात, आसान था। हाँ जैसे हाँ उसको भी ऐसे ही करेंगे, कहाँ पे 1 यूनिट, ये वाला नहीं, इस पे भी 1 ही रहेगा, उस पे भी 1 ही रहेगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर हम 1 यूनिट का ही डालेंगे, ये जो परपेंडिकुलर डालेंगे ये 1 यूनिट का ही डालेंगे, ठीक है ना। जैसे कि एक और करते हैं, देखो एक और क्वेश्चन इसी में ले लेते हैं। अगर हमको बोला जाता है रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसको,
रूट थ्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो रूट थ्री को रिप्रेजेंट करने से पहले हमारा स्टेप नंबर वन क्या रहेगा, स्टेप नंबर वन ये रहेगा कि पहले हम रूट थ्री से पहले एक कम को रिप्रेजेंट करें, यानी कि हम थ्री माइनस वन यानी कि रूट टू को रिप्रेजेंट करें, हमारा पहला काम ये रहेगा। अब रूट टू को तुमने पहले ऊपर वाले में रिप्रेजेंट करना सीखा, अब जैसे रूट टू को करना है अगर मान लो नहीं आता तो फिर इससे एक कम को हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं। हालांकि अब मैंने बता दिया है तुमको तो अब पता चल गया कि यहाँ पे रूट टू है, ठीक है, समझ गए बात। एक स्पाइरल बनता है वो भी मैं अभी तुमको बताऊंगा, ठीक है, वो कैसे बनता है इसी में हमको एक्टिविटी करके दिखा रखा है। तो हमें रूट टू को रिप्रेजेंट करना है, अब रूट टू को रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे तुमने ऊपर कर लिया है। तो अब एक काम करो, इसी को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, यानी कि मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि अब मैं ये मानूंगा क्या कि ये जीरो है और ये वन है और यहाँ पे कहीं पे क्या है, रूट टू है, मैंने ये मान लिया, ठीक है ना, क्योंकि ये रूट टू को ऊपर में तुम्हें करना सिखा दिया है। तो ये मेरा रूट टू है, अब यहाँ से यहाँ तक में ये कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, रूट टू है। अब यहाँ पे मैं वन यूनिट का क्या करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, वन यूनिट का, कितने का, वन यूनिट का परपेंडिकुलर, तो ये वन यूनिट का हो गया, ठीक है। अब इसको नेमिंग कर देता हूँ, ये वाले को मैंने बोला ओ है, इसको मैंने बोल दिया ए है, और इसको मैंने बोल दिया, चलो जो बोला था वो ये बी है, और ये वाला पॉइंट ए है। अब क्या करूंगा, इसको मिला दूंगा। अब देखो फिर से क्या ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अच्छा अब देखो यहाँ फिर से हम पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे, स्टेप सेकंड में जब इतना काम कर लेंगे तो स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी कितना है बताओ जरा, रूट टू है, तो रूट टू का स्क्वायर कर देंगे प्लस ए बी कितना है, तो वन का स्क्वायर कर देंगे। तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू का स्क्वायर कितना होगा, टू हो जाएगा, प्लस वन का स्क्वायर वन हो गया। तो यहां से ओ ए का स्क्वायर कितना आ गया, थ्री आ गया, यानी कि ओ ए कितना आ जाएगा, रूट थ्री आ जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा ये आ गया रूट थ्री। क्या अब हमको इसी को रिप्रेजेंट करना है, इस लाइन पे रूट थ्री को ही करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको जो है रेडियस और इसको सेंटर, यानी कि ओ को सेंटर और ओ ए को रेडियस मान करके क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे, ठीक है ना, आर्क लगाने आता है ना तुमको, तो यहाँ पे आर्क लगाएंगे और ये आर्क लाइन को जहां पे कट करेगा वहीं पे रूट थ्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं कट करेगा तो ये रूट थ्री आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो रूट थ्री को कर लोगे तो ये वाला पॉइंट हमारा रूट थ्री हो जाएगा, ओके कुछ पूछना है अभी यहाँ पे। अब देखो मैं तुमको स्पाइरल बना करके दिखाता हूं स्पाइरल कैसे बनता है। जैसे यहां पे दे रखा है हमको, जैसे ये बना के दे रखा है ना, तो इसको मैं तुमको बना करके दिखाता हूँ, ठीक। अब तुमने रूट टू को और रूट थ्री को बनाना सीख लिया है ना, रूट टू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और रूट थ्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीजें तुमको अब समझ में आना चाहिए, ठीक। नहीं आया तो अभी पूछ सकते हो तुम लोग, आ गया ना। अब देखो तुमसे कोई कहता है कि काम करियो जरा रूट फोर को रिप्रेजेंट करियो, कितना हो जाएगा रूट फोर, तो रूट फोर तो टू हो गया है ना, तो ये तो सीधे रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये कौन सा नंबर होता है, इंटीजर होता है ना, या फिर रेशनल नंबर बोल लो, तो इसको क्या ही करोगे, तो टू हो गया। लेकिन जैसे ही तुमसे कहता है कोई कि चलो अब रूट फाइव को रिप्रेजेंट करो, किसको, रूट फाइव को, तो रूट फाइव को रिप्रेजेंट करने से पहले किसको करना पड़ेगा, रूट फाइव माइनस वन यानी कि रूट फोर को, यानी कि रूट फोर यानी कि टू को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और टू तो नंबर लाइन पे ऑलरेडी रिप्रेजेंट है ना, देखो ये तो करना आता है, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, जीरो वन और ये क्या हो गया, टू हो गया है ना। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना है, टू है। अब टू पे हम क्या करेंगे, वन यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कितने का, वन यूनिट का, तो ये वन यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब इसको नेमिंग कर लो है ना, ये वाला ओ हो गया, ये वाला हमारा बी हो गया, और ये वाला मैंने ए बोल दिया। अब दोनों को मिला दो जरा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब फिर से जो है ए बी कितना है हमारा, वन यूनिट है ना, वन यूनिट है, और ये ओ बी कितना है, टू यूनिट है ना, और ओ ए अब निकालो, तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस परिमेय का इस्तेमाल करोगे। पाइथागोरस परिमेय में क्या होगा, तो भैया ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू
ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि ओ ए का स्क्वायर कितना हो गया 5, यानी कि ओ ए क्या आ जाएगा रूट 5। तो देखो जो रिप्रेजेंट करना होता है वो यहाँ पे कहीं आ जाता है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा रूट 5 आ जाएगा, करेक्ट, रूट 5 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको सेंटर और इस पूरे को क्या रेडियस मान करके आर्क लगा लेंगे ऐसे, ठीक है ना। हाँ है ना, जहां पर ये आर्क जो है इस लाइन को कट करेगा वही पॉइंट क्या होगा रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तुमको एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे स्पाइरल कैसे बनता है वो बताता हूँ। जैसे ये रूट 2 को हमने रिप्रेजेंट किया, अब मुझे रूट 3 को रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। तो अब मुझे रूट 3 को रिप्रेजेंट करना था, ठीक है ना। तो रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या बोला कि ये वाला हमारा क्या है रूट 2 है, और सॉरी ये वाला जो हमारा जो है यहाँ से डिस्टेंस ये रूट 2 है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कई बार जो है हम ऐसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ये रूट 2 है ना, ये रूट 2 है ना, मैं यहाँ पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे जब 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये 1 यूनिट का है, ठीक ना, कितने है देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो ये 1 यूनिट का है। उसके बाद क्या इसको मिला दो, ऐसे मिला दो, ठीक है। इसका चलो कुछ नेमिंग कर दो डी, करेक्ट। अब इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले में देखो हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो OD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो OA कितना है रूट 2 है, तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस AD कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ये वाला जो है ये रूट 2 ही तो है, तो इसको हमने रूट 2 लिया। अब देखो फिर ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया प्लस 1 हो गया तो ये 3 हो गया, यानी OD का स्क्वायर जो है वो 3 हो गया, तो OD कितना हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला हमारा यहीं से आ गया क्या, ये डिस्टेंस रूट 3। अब इसको जो है हम रेडियस मान करके हम क्या करेंगे आर्क लगा सकते हैं। अब उसके बाद जब 4 को रिप्रेजेंट करना हुआ तो ठीक है ना, 4 को रिप्रेजेंट करना हुआ तो सिंपल, वो तो 2 हो जाएगा, नहीं समझे बात। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो पहले तो ऐसे था, ठीक ना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले रूट 2 को तुमने यहाँ पे लाया, फिर उसके बाद 3 के लिए यहाँ ले गए, फिर अगले के लिए करोगे तो इस पे परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है ना। ये कितना है, ये वाला डिस्टेंस ये रूट 2 है, और ये वाला कितना है रूट 3 है, ठीक है। अब अगला 4 के लिए करोगे तो क्या करोगे, 4 के लिए करोगे तो ये हो जाएगा और ये वाला रूट 3। यहाँ पे फिर से क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो ये डिस्टेंस क्या होगा, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 4 हो जाएगा, 4 हो गया ना। अब 4 है यहाँ पे, इसका स्क्वायर रहेगा, यानी कि मान लो ये ई है, ई है ये, ठीक है ना। तो ओ ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया, तो ओ ई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो अब इस 2 को जो है सेम तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर मान लो रूट 5 को करना है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लो, ये जो बनेगा इसको कहेंगे हम स्पाइरल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, जैसे ये है ना क्लासरूम एक्टिविटी स्क्वायर रूट स्पाइरल, ये देख रहे हो ना करते जा रहा है, समझे बात। कहाँ पे बताओ, ये ओडी कितना आ गया, नहीं नहीं ये रूट 3 निकल गया है ना, ये तो ये वाला है, ये रूट 3 है। इस पे क्या करेंगे 1 यूनिट का फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, अब इसको मिला दो तो फिर से ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसमें पाइथागोरस लगाओ, तो मान लो ये ई है, तो ओ ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा ओडी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ये डी ई है ना या फिर ई डी है, तो ओडी कितना रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि ओ ई कितना आ गया, ओ ई का स्क्वायर 4 आ गया, तो ओ ई कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये वाला 2 हो गया, ठीक है। तो रूट 2 रूट 3 इवन रूट 4 कैसे, मतलब स्पाइरल स्क्वायर रूट स्पाइरल कैसे बनता है वो भी बता दिया। तुम रूट 5 को भी अब कर सकते हो, रूट 5 को भी करना मैंने सिखा दिया यहाँ पे, है ना। तो इतना चीज क्लियर है कि हम लोग इरेशनल नंबर को, यानी कि इसमें बुक में कैसे दे रखा है कि अगर आपको रूट के अंदर में
अगर आपको रूट के अंदर में एन को रिप्रेजेंट करना है, वेयर एन इज नेचुरल नंबर, क्या एन इज नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर होगा, यानी कि यहाँ पे आप वन रख सकते हो, टू रख सकते हो, थ्री रख सकते हो, फोर रख सकते हो, फाइव रख सकते हो, है ना। नेचुरल में भी वही लेना है जो इरेशनल बन जाए। तो आप इसको रिप्रेजेंट करने से पहले किसको रिप्रेजेंट करोगे, इससे एक कम नंबर को, यानी कि एन माइनस वन को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करने से पहले आप इससे एक कम नंबर को रिप्रेजेंट करोगे, कैसे करोगे, समझ में आ गया? हाँ, अभी क्या बताया था मैंने, कौन वाला और बाकी सब आ गया। एन के जगह पे मान लो मैंने टू ले लिया, रूट टू हो जाएगा ये। अब रूट टू को कैसे करेंगे एन के जगह पे, तो रूट टू को कैसे करेंगे, मान लो एन के जगह पे मैंने थ्री ले लिया, तो रूट थ्री को कैसे करेंगे। हाँ, एन के जगह पे मैंने फाइव ले लिया, तो रूट फाइव को कैसे करेंगे, फाइव माइनस वन, है ना। तो यानी कि अगर इन जनरल बात कर रहा है कि अगर एन रहेगा तो उससे हम एक कम नंबर को पहले रिप्रेजेंट